हेलो हेलो, थैंक यू। एक तो इतने सारे सुंदर लोग एक साथ देख के मेरी कान फट रही है, और आगे तो अमीर भी हैं। अपन ना बॉय स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है? कोई बॉय स्कूल का पढ़ा हुआ है यहाँ पे? बाकी जनता ये लॉन्डे देख लो, और हम बता देते हैं तुमको कि लड़कियों में खुशबू होती है एक, जो सिर्फ हमें पता है। तो यार अपना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम है कि अपने घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है। तो इंदौर से अपन 2009 में निकल के दिल्ली रहते थे, ठीक है? अभी 2015 में यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है? तो एक लड़की पर मतलब दिल्ली में मिली मुझे, ठीक है? अब वो, अरे वो लड़कियाँ होती ना दिल्ली की टिपिकल, वो जो मतलब, अरे अब वो होती ना वो जो बार काउंटर से ड्रिंक उठा के कहती वो वो, वो 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 जो वो जब डांस करती तो आसपास 6 लौंडे नाच रहे होते हैं ऐसे ऐसे, एक ने उसका जैकेट पकड़ा होता, दूसरे ने बैग पकड़ा होता, सबको फ्रेंड जोन कर चुकी होती है ये, ठीक है? इसका नाम मैंने फ्रेंड जोन रखा। तो अपने को किसी ने एक पार्टी में मिलवा दिया कि हे इज आखिर मीट आशी। मैं कहा हाय अपन भाई, अपने को अपनी शक्ल बता, अपने को बता कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है? अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। अपना गेम ही है ये, इतने एटीट्यूड में रहता हूँ लड़की पूछना आ जाती कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। तो ये 2 मिनट बात करी, कहती वाओ, और वो ना जाकुर वाला, वो ठीक है साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वैसा वाला, ठीक है? कहती वाओ यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। अपन क्या, मैं कहा ऐसा तो मेरी माँ ने भी नहीं बोला मेरे को। 5 मिनट बात करी कि गिव मी अ नंबर, गिव मी अ नंबर, गिव मी अ नंबर। अपन सकती भाई ऐसे पिघलने वाले, नंबर भी ऐसे नहीं एक्साइटेड होकर नहीं दे रखी, हाँ 997 111, ऐसे लो टोन हो। मैं कहा यार 997 111 मजबूती देख रहे हो लौंडे की? अपन भाई पिघलते नहीं है भाई, जैसे एयरलाइन वेयरलाइन में भी ना लड़कियां मिलती हैं, जैसे मान लो अपन तो अपने पास जिंदगी में है ही क्या, एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। पहले पहुंच के विंडो सीट बुक, और वो तोता परी लड़की आती ना, वो जो वो पोनीटेल बांध के जो क्यूटनेस, वो आती सुंदर, तो सुंदर लड़की को ना समझ में आता नहीं है, तो आएगी बिल्कुल ऐसे आती हैं विंडो सीट की, हाय कैन आई एक्सचेंज द सीट प्लीज, कैन सिट ऑन द आइल साइड। मैं कहना नहीं, कहती हाँ। तो सुंदर लड़की को समझ में नहीं आता ना, मतलब उसका तो वो हो जाता है कि ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। ठीक है अपना फंडा क्लियर है भाई, अपना अपना फंडा क्लियर है। मैं कह एक मिनट सुन, 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है, और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। टिंडर पे भी भाई, टिंडर पे भी अपन सबको लेफ्ट स्वैप कर रहे हैं, इसकी मार्क एटीट्यूड है भाई लौंडे में। तो वैसे भी राइट स्वैप होकर कौन सा कुछ उखड़ रहा है, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। अपने को बता अपनी शक्ल, कोई अपने से बात नहीं करना चाहता, आधा घंटा पार्टी में अपन बैग उठा के चुपचाप कट रहे, पीछे से आवाज लगी हे वेट 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 वेयर आर यू गोइंग। मैं कहा नो आई हैव सम वर्क, आई विल पुश ऑफ। कहती आर यू मैड? कहती कम, गिव मी हग, गिव मी हग, गिव मी हग। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया, मैं क्या कर लूं। उसके बाद उसने मुझसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने को कह दिया, हे कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। अब यार मुंह बनाना ही नहीं आता यार, मैं पहले कभी खिंचा ही नहीं, मतलब भाई एक्साइटमेंट के मारे ना कान गर्म हो गए दोनों, ठीक है? सबसे पहले शीशे के सामने खड़ा होकर आप ये बाल ऐसे करते हो, आप कहते हो कि बाबू ऐसा है तुम या नहीं हो, तुम्हारा बार बार था, क्योंकि आपके जो बाल कटे ना लौंडे के अब आया रूप निखर के। भाई आप एक्साइटमेंट को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, तभी अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हे एच ई वाई, देख रहे हो कितना अप्रोच कर रही है ज्यादा। अपन भी एटीट्यूड में भाई, अपन ने लिखा एच आई, भाई यहां से बातें चालू हुई, चैटे होना चालू हो गई हैं, ठीक है? चैट नहीं हो रही, चैटे हो रही हैं, क्योंकि
क्योंकि तीन तीन पैराग्राफ लिख दे रही है वो, जितनी देर में मैं कुछ पढ़ूं उतनी देर में, तो वन वर्ड आंसर मतलब मेरा एटीट्यूड नहीं, मजबूरी हो गया आप। मैं इनको पढ़ तो लेने दे बहन, ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूं मैं, मुसलमान मेरा चलता है। चल कजिन बहन। तो अपन ने भाई अब यहाँ पे बात हुई है सुबह 6 बजे तक, 4 बजे किस 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 वाले इमोटिकॉन्स आने लगे, आई लव यू लिख रही है, लव यू, यू सो स्वीट, ऐसे वैसे। अपन स्मॉल टाउनर, अपने को क्या करना है सुबह, मम्मी को बताना है क्या कहना है मतलब। फिर अपने थोड़ा काम डाउन, कि तुम्हारा अंदर लौंडा तुमको बोलता है भाई कुछ नहीं, बड़े शहरों में ऐसा होता है, रिलैक्स। उसके बाद होती है फ़ोन पे बातें चालू। मैंने फ़ोन पे बात करना लड़कियों से कर लिया है क्रैक, रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक, रिदम है। आज जो उसकी कहानी चल रही, और पता है वहां पे जहाँ शिखा खड़ी हुई थी, शिखा को मालूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी घुरी जा रही। मैं उसको देख रहा हूँ कि अरे शिखा तुझे तो पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी तो आओ कुछ नहीं करना। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर देखो उसको अपनी सुननी, तेरी सुननी भी नहीं घंटा से, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कुछ और करना है बीच में, तो कुछ मत करो, बस बीच में एक सवाल डाल दो कि तू शिखा, ये शिखा को तुमसे प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ठीक है, ये हुआ भाई। फाइनली 4 दिन बाद कह रही कि लेट्स कैच अप। मैंने कहा कहाँ, कहते जो भी इस प्लेनेट का सबसे महंगा रेस्टोरेंट हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है भाई, ठीक है। मिले भाई, और दिल्ली की सर्दी ये दिसंबर की, मतलब जो चीज़ें लटकनी चाहिए वो छाती को आ रही हैं, वैसी मज सर्दी, ठीक है। 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। लेने गया मैं इसको, अब तुम्हारी तनख्वाह 12,000 रुपये, लेने गया कैब से, तुम इसको पटा बैकलेस पहन के आइए बहना। अपन ने क्या पहना, अपन ने थर्मल पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, फिर स्वेटर पहना, फिर जैकेट पहना है, और अभी भी जेब में हाथ डाल के सर्दी छुपानी पड़ रही है, मतलब वो वाला लेवल है सर्दी का। भैया खाना खा रहे हैं, 3,000 रुपये की दारू, 4,000 रुपये खाना खाया है उनने। तुम तो पी भी नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि हाँ ये वो, अच्छा ठीक है, सर्विस टैक्स और फिर सर्विस चार्ज, और वो बहन को स्वच्छ भारत टैक्स भी तो लगा दिया उन्होंने। खाना ना, वेटर भी तुमको ऐसी नर्स देख रहा है कि जितने भी पैसे बचे सब दे के जाइयो। देख इस पे इतना खर्चा कर दिया, कुछ तो मेरा भी सोच के जाइयो भाई, ठीक है। अब खाना वाना खा लिया, हो गया भाई, नीचे उतरे। अब अभी भी 2 डिग्री है, पर अब ठंड हो गई है, ऐसे ऐसे कर रही हूँ। मैंने देखा, मैं कहा समझ गया मैं। मैं कहा व्हाट हैपेंड, कहती इजंट इट कोल्ड। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ये ले ले मेरा जैकेट। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, होगा मान लिया, लेकिन ठंड लगती है भैंचो। तो भाई ऐसे घर गए तो क्या, व्हाट्स द प्लान, तो मैंने कहा ड्रॉप यू बैक, ठीक है, आप शक्ति दिखाते हो, ठीक है। कहते कि नो यार, आई कांट गो एट माई प्लेस, माई फ्रेंड्स आर पार्टिंग, सो आई डोंट हैव द कीज। मैं कहा तो शक्ति, मैं कहा शुड आई ड्रॉप यू एट योर फ्रेंड्स प्लेस, ठीक है, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। कहती Do you mind if I come to your place for a couple of hours, then I'll push off? देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटना हो, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया भाई। 1 बजे घर पहुंचे, 1:30 बजे बेडरूम के अंदर, उसने बोला था लेट्स सिट इन द बेडरूम, इट विल बी कॉज़ी।
आप दोबारा से सेम बातें, सेम रिपीट हो रही हैं, सेम बातें चल रही हैं, ये वो ऐसा ऐसा फलाना ढिमका, इस बार तुम कुछ कर भी नहीं सकते, और सब एकदम डिटेल में बातें बता रही है, जैसे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इस पैर में जो मार्क था क्या वो बर्थ मार्क है? नहीं, वो इस पैर वाला है, इस पैर वाला तो वो झूले से गिरी थी वो है। मैं कल्ला इधर लिख लूँ कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए। अब 4 बज गया है और सारी बातें खत्म हो गई हैं, सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही है, कच 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 कच। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। हल्का सा उसने लीन किया, हल्का सा मैंने लीन किया, उसने एक साइड बाल करे, यहाँ पे किस होने वाला है अभी, ठीक है। जैसे ही होंठ शोंठ मिलने वाले थे ना, अचानक से उसका हाथ आया होलियर देन दाओ, कहती तुम चाहे हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए हो जहाँ पे स्कूल टीचर आते भी नहीं थे, लेकिन बाबू जब इतनी कोई सिचुएशन होती है ना इंग्लिश ही निकलती है। मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहती डोंट रूइन द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वी हैव। भाई ये सुनो, लास्ट बात है, ये जिस लाइन पे अभी लौंडा खड़ा है ना, ये दुनिया की सबसे अनसेफ लाइन है भाई। पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में जिनका घर है ना, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में, वो लोग भी सेफ हैं, ये लौंडा अनसेफ है, क्योंकि इससे 1 इंच इधर और तू मोलेस्टर है, और इधर चूतिया तो तू थाई। ओके, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।